subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, welcome back to the next video. आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हिस्ट्री क्लास 12 का 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जहां पे हम लोग 50 क्वेश्चन का सोल्यूशन इस वीडियो में देने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इससे पहले हम लोग हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा चैनल में जाकर के। और यहाँ पर हम लोग आज के इस वीडियो में देखें कौन कौन से क्वेश्चन जो कि आपके इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख लेते हैं तो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आसानी से बना लेते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड लिया गया है और ये आपके एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आएंगे, बाहर से किसी किताब से आपका नहीं आएगा। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि सिंधु घाटी निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लोहा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख पाए, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। ऑप्शन आपके सामने में है, सो सही ऑप्शन की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 1922 ईस्वी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा देख पा रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अस्तनगर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। सो वो प्राप्त हुए थे मोहनजोदड़ो से, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा देख पा रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट भी होता है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर में बी राइट हो जाएगा, यानी कांस्य युग की हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो ये कांस्य युग की सभ्यता है। चलिए क्वेश्चन नंबर पाँचवा, कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो फहजान आया था, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर छठा देख पा रहे हैं, इंडिका के लेखक कौन है। सो इंडिका के लेखक मेगस्थनीज है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सातवां, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। इसकी स्थापना की थी हरिहर बुक्का, बट पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन है, तो हो जाएगा देवराव कृष्णदेव राय, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, अगर पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य की महानतम शासक कौन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आठवां देख पा रहे हैं, कि प्रयाग परिस्थिति की रचना किसने की थी। तो प्रयाग परिस्थिति की रचना जो की थी हरिसेन ने की थी, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर दसवां देख पा रहे होंगे, सॉरी नौवां देख पा रहे हैं, अशोक किस वंश का शासक था। तो अशोक जो था मौर्य वंश का शासक था, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दसवां है, कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। तो नया सिद्धांत जोड़ा था ब्रह्मचार्य, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर ग्यारहवां, कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या 18 है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर बारहवां है, कि दुर्योधन की माँ कौन थी। चौदहवां देख पाए, स्वतंबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। स्वतंबर एवं दिगंबर धर्म जो है इसका संबंध जैन धर्म से, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर पंद्रह, के त्रिपिटक सहित का संबंध है। त्रिपिटक सहित किससे संबंध है, तो यह है बौद्ध धर्म से, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर सोलह, की 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था, यानी इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 17 देख पा रहे हैं, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, बट समाप्त किया था इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 18 देख पा रहे होंगे, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दी गई, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19वां, की अलबेरूनी किसके साथ भारत आया था। तो वो आया था मोहम्मद गजनी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20वां देख पा रहे हैं, कि बौद्ध परंपरा में अशोक के कितने स्तूप बनवाए। तो इसका सही आंसर की बात करेंगे तो आंसर नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके क्वेश्चन नंबर 21वां देख पा रहे होंगे, कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा। तो ये अपनी यात्रा का विवरण जो लिखा था अरबी में लिखा था, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22वां, की उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन प्रारंभ यानी आरंभ किस संत ने किया। तो रामानंद ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23वां, की किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। उसके क्वेश्चन नंबर 24वां, की तलवंडी किसका जन्म स्थान है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नानक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 25वां, रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जी एस लिविदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां देख पा रहे होंगे, हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है। तो हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा।
क्वेश्चन नंबर 27 कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। तो तंबाकू पर प्रतिबंध जो लगाया था जहांगीर ने लगाया था, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देख पा रहे होंगे 28वां क्वेश्चन कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो कैप्टन हॉकिंस जो आया था वो आया था जहांगीर के दरबार में, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29वां देख पा रहे हैं कि दीन ए इलाही किससे संबंधित है। तो दीन ए इलाही जो है हुमायूं से संबंधित है, सॉरी दीन ए इलाही अकबर से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30वां देख पा रहे हैं कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था। तो सबसे अधिक विकास हुआ था वो शाहजहां के काल में हुआ था। स्थापत्य कला मतलब बड़े बड़े इमारत और भवन का निर्माण करना, इस तरह चीज़ों का निर्माण करना, तो सबसे अधिक जो हुआ था शाहजहां के इसमें काल में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31वां कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32वां क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है। सो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे कि मैं अगले वीडियो में बताया था क्वेश्चन, सो उसमें से काफ़ी लोगों ने उसका आंसर सही दिया, जिसमें पहले दिए थे वीरेंद्र मोहन आनंद और एमडी राजू खान, इन लोगों ने सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर दिया। तो ये देखते हैं इस वीडियो में सबसे पहले आप लोग कौन इसका आंसर देते हैं। तो चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर बताइए। सो क्वेश्चन नंबर 33वां देख पा रहे हैं कि दीन ए इलाही संबंधित है। सो दीन ए इलाही संबंधित जो है किससे, वो है अकबर से, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी अकबर से। क्वेश्चन नंबर 34वां देख पा रहे हैं, कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है। तो औरंगजेब जो आलमगीर से नाम से जाना जाता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35वां देख पा रहे होंगे, अकबरनामा की रचना किसने की। सो ऑप्शन आपके सामने में है। सो आसानी से क्वेश्चन आप लोग पता होगा, इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, यानी अबुल फजल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 36वां क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। सो इसका प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37वां देख पा रहे हैं, दमिन ए कोह क्या था। तो दमिन ए कोह जो एक भूभाग है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38वां देख पा रहे हैं, अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है किससे संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने में है। सो इन चारों में सही ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, यानी कॉर्नवालिस से। चलिए क्वेश्चन नंबर 39वां देख पा रहे होंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 को हुई थी, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40वां देख पा रहे होंगे, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था। काफ़ी बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1510 ईस्वी को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41वां देख पा रहे हैं, 1920 में कौन आंदोलन हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42वां देख पा रहे हैं, दांडी किस राज्य में स्थित है। तो दांडी जो है करेंटली अभी जो है गुजरात में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए इसको साथ क्वेश्चन नंबर 47 से पहले, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। तो पूना समझौता 1932 ईस्वी को हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके क्वेश्चन नंबर 44 से देख पा रहे, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो दिल्ली चलो का नारा जो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके क्वेश्चन नंबर 45 से देख पा रहे, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा जो हुई थी वो हुई थी 1905 ईस्वी को, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन 46वां क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी को, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके क्वेश्चन नंबर 17वां देख पा रहे हैं, काला कानून किससे कहा गया है। तो काला कानून जो है रॉलेट एक्ट को कहा जाता है, इसी को काला कानून के नाम से जानते हैं, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके क्वेश्चन नंबर 18वां देख पा रहे हैं, 1942 में कौन आंदोलन हुआ था। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जो कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49वां देख पा रहे हैं, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए राइट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50वां, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। सो किसमें निहित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संविधान में। सो यहाँ पे हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो को आपने लाइक कर दिया, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उसे भी फायदा हो जाएगा। तो मैं बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 10वीं और 12वीं से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेगा, ताकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पता चल पाएगा किस तरह किस टाइम पे कौन से वीडियो अपलोड होते हैं। तो चलिए यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं। स्क्रीन पे जो भी वीडियो आपके आ रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।